अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड बॉल। बनाने में बहुत ही आसान और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्ट इसका लाजवाब होगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इसे इफ्तार में बनाएं या टी टाइम स्नैक के तौर पर सर्व करें, सभी को पसंद आएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बनाए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस। इसके साइड्स को निकाल लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। आप बची हुई ब्रेड का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप पानी को इस तरह से फैला कर डाल देंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ब्रेड को पानी अच्छी तरह से लग जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। अब इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम आलू, जिसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इसे मैशर की मदद से मैश कर लिया। अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। 3 से 4 हरी मिर्चियों को बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड कर लें और खूब सारा हरा धनिया भी शामिल कर लेंगे। नमक मिर्च आप आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिक्सचर में थोड़ा मॉइस्चर लगे तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने पानी कम ही ऐड किया था तो इसमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मिक्सचर से इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून से एक बॉल बनाया है। तकरीबन 1/2 कप लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जिससे बॉल को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मिक्सचर में हमने ब्रेड्स यूज़ किए हैं इसलिए ये फ्राई करते टाइम नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कोट हो गए। इस तरह से करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें शामिल करेंगे ब्रेड बॉल्स। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा रह जाए तो बॉल्स में ऑयल जज्ब होने लगेगा। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इन्हें अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे ही ब्रेड बॉल्स फ्राई कर लेंगे। जितना मिक्सचर हमने तैयार किया था इतने में तकरीबन 30 ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार इफ्तार में ट्राई ज़रूर करें। आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसे आप अपने इफ्तार दावत मेनू में भी शामिल कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।